चलिए बढ़ते आगे, बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां सोलापुर के शिक्षक रणजीत सिंह डिस्ले को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर का जो अवार्ड दिया गया है वो आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बार्शी तहसील में जिला परिषद के शिक्षक रणजीत सिंह डिस्लेने को ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया के 140 देशों में से ये चुने गए हैं। ये पुरस्कार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर को दिया जाता है। ये बहुत ही अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया के में नाम रोशन किया गया है शिक्षक की ओर से। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बार्शी तहसील में जिला परिषद के शिक्षक लंदन स्थित वाकी फाउंडेशन और यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के लिए मेरा चयन हुआ है। इसकी मुझे बहुत खुशी है और ये भारत के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि पहली बार भारत के किसी टीचर्स को शिक्षा क्षेत्र का नोबेल माने जाने वाला ये दुनिया से सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड मैं मेरे भारत के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को अर्पण करता हूँ। उनके ऑन बिहाफ ऑफ देम मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भारत में ऐसे कहीं बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं जो अपना काम अपने स्कूल में करते रहते हैं। उन सब टीचर्स के लिए ये जो अवार्ड है वो एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। और मैं अभी पहला ही टीचर हूँ मगर मेरे जैसे और भी टीचर्स ये अवार्ड जीते। मैं पहला तो हूँ मगर मैं अकेला नहीं बनना चाहता, मेरे जैसे और भी टीचर्स आगे आके ये नोबेल प्राइज़ शिक्षा का जो है वो जीते, ऐसी मेरी इच्छा है। अभी जो मुझे अवार्ड मिला है वो मिला है QR कोडेड टेक्स्ट बुक के प्रोजेक्ट के लिए, जिससे हमने बच्चों लड़कियों की स्कूल में अटेंडेंस 100% तक अचीव किया है। लड़कियों की टीन एज मैरिजेस को हमने पूरा बंद किया है और उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको 99% तक हमने अचीव किया है, वो एकेडमिक अचीवमेंट के लिए। और ये QR कोडेड टेक्स्ट बुक का जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की जो 50% राशि है वो हम जो टॉप 10 फाइनलिस्ट थे उनके साथ शेयर कर रहे हैं और बाकी जो 50% बचता है उसमें से 30% हम टीचर्स इनोवेशन फंड की बतौर यूज करेंगे। जहाँ पे मैं महादेव डिस्ले हूँ, रंजीत सिंह का पिताजी हूँ। जो रंजीत सिंह को जो छोटा था बचपन में वो उसे बहुत होशियार था और जब मैं शिक्षक होने के कारण कुछ शैक्षणिक साधन बनाता था उसी समय वो रंजीत सिंह मेरे साथ ही वो शैक्षणिक साधन बनाने का प्रयत्न करता था। उसको कुछ तो भी सीखेगा पढ़ाने का काम वो करता था। जब उसे इंजीनियर को जाने का उसका ये जा मगर वो शिक्षा के लिए DED को गया और जब शिक्षक बने तो उनको छात्रों को सिखाने के लिए जो कुछ साहित्य बनाते थे मैं और दोनों ही किसी एक केंद्र में थे तो हम मेरे साथ साहित्य करते करते वो भी साहित्य हम बनाते थे। तब तो महाराष्ट्र के शिक्षक रणजीत सिंह ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है।